नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। हेलो गाइज, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टॉक। इस देश ने बनाया है एक ऐसा नोट जो कि टेक्नोलॉजी से भरपूर है। ये कौन सा देश है और इसकी नोट की क्या क्या खासियत है वो आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ एक बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुँचा पाए। और ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऑस्ट्रेलिया ने एडवांस टेक्नोलॉजी से एक ऐसा नोट बनाया है जिस नोट के आर पार भी आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप उसको पानी में, या वो पानी में गिर जाए, या आप बारिश में जा रहे हैं तो नोट काफ़ी बार फट जाते हैं, पर ये वाला नोट कभी फटेगा नहीं। और क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया का जो नोट बनता है वो एक खास कॉटन से बनाया जाता है और उसके ऊपर एक खास स्याही से लिखा जाता है। जब उसको बनाया जाता है तब वो स्याही स्टार्टिंग से लेके एंड तक नोट को खींच के रख देती है। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक नोट को खींचोगे तो नोट नहीं फटेगा। इसके साथ ही एक ऑस्ट्रेलिया ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक नोट बनाया है जो कि जिसके आर पार भी आप देख सकते हो और वो गीला होने से भी फटेगा नहीं। और ऑस्ट्रेलिया का $5 वाला नोट एकदम से वाटरप्रूफ है कहा जाता है, और इसके ऊपर नमी और धूल का भी असर नहीं होता है। और माना जा रहा है कि इस नोट की कोई भी कॉपी बनाना इम्पॉसिबल है, और ये नोट पॉलीमर से बना हुआ है। जैसे कि आपको कोई मोम छू के आपको फील होता है, और इस नोट को भी आपको छू के वही चीज़ फील होगी जैसे कि आप मोम को छू के फील कर सकते हो कि ये है। और इस नोट में एक और खासियत है कि इसमें रोलिंग कलर इफेक्ट है। इसका मतलब कि जब भी आप इस नोट को देखोगे और नोट को देख के आप जब इसको घुमाओगे, घुमाते ही आपको इसमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो कलर है वो चेंज हो रहे हैं। मतलब कि हमेशा एक कलर नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में एक ऐसा नोट के ऊपर एक निशान डाला था जिसकी वजह से जो कोई ब्लाइंड है वो भी पता कर पाए कि ये कितने का नोट है, और अगर कोई और है तो वो भी पता कर पाए कि ये नोट असली है या नकली है। जैसे कि हमारे इंडिया में अभी कुछ टाइम पहले ऐसे नोटों के ऊपर निशान लगे हैं जिसकी वजह से ब्लाइंड और कुछ लोग भी पता कर पाए कि ये इंडिया का भी नोट असली है या नकली है। और सन 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने पॉलीमर वाला नोट बनाना शुरू किया था। उसके बाद अभी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सारे और देश यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लंदन, यूके वाले, और भी इससे ज़्यादा देश उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। तो इसी के साथ, अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचाते रहें। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।